बिल, मैं चाहता हूं कि बाप बेटे का रिश्ता हम घर की चार दीवारों के अंदर ही रखें, वरना ये रिश्ता कंपनी की तरक्की के आड़े आ जाएगा। जानकी, मैं रीजन बता देता हूं, लेकिन अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन है। आज के बाद मैं सिर्फ प्रेम वर्मा ही नहीं बल्कि आर्य वर्मा का बाप भी कहलाऊंगा। लेकिन जानकी, दुख इस बात का हुआ कि जो भी कुछ तुम्हारे सामने वहां हुआ उसके बाद भी उसी क्राइसिस में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। राहुल, जितनी दुखती रगे थी तुम उन सब पर उंगली रख चुके हो। मेरा सबसे बड़ा नफा राजधान कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा नुकसान है। सुजाता, आ रही हूँ। अरे कहाँ हो भाई, जरा जल्दी आओ ना, किधर हो तुम? क्या हुआ बाबा, कुछ खास काम है क्या मामा से? नहीं कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा रॉब जमा रहा, करना पड़ता। पापा देखिए, मामा पे रॉब झाड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, देखिए मिस्टर आर्य वर्मा, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, समझे? क्या ज्यादा हो रहा है? अरे कुछ नहीं, आपके ये साहबजादे अपने बाप के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं ये। अरे मामा, ये आप फिजूल में रॉब झाड़ते रहते हैं जब देखो तब, और मुझे अच्छा नहीं लगता, इनको बोल दीजिए। बेटा वेरी गुड, जिंदगी भर ये मुझ पर रॉब झाड़ते आए हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, इस पर अंकुश लगा सकते। डोंट वरी मामा, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। एक मिनट, सुजाता जी, आप जरा इनसे कह दीजिए कि आप मजाक कर रही हैं, कहीं ये आपको सीरियसली ना ले लें। मेरी तो सारी की सारी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई। रियली? अरे वाह, कमाल है। आर्य ने जो कुछ भी किया है उसके लिए कितनी खुश हो रही है, और ऑफिस में मेरी जो मट्टी पलीत हो रही है उसका दुख नहीं है। आज पति से ज्यादा बेटा तुम्हें प्यार। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ ऑफिस में क्या हुआ? अरे मामा, ऐसा कोई खास काम नहीं किया। हाँ हाँ, आपने तो कोई खास काम किया ही नहीं। हा? वो क्या है, आयरन पैलेस के लिए एक जमीन ढूंढनी थी, और वो जमीन हमारे ये जो साहबजादे हैं उन्होंने ढूंढ निकाली। ऑफिस के जितने भी लोग हैं इनसे बहुत खुश हैं, इनकी वाह वाह कर रहे हैं। ऊंची आवाज में तो कोई बात करता नहीं, लेकिन सब दबी आवाज में यही कहते हैं कि बाप से ज्यादा काबिल बेटा नहीं। पापा आप कुछ बढ़ा चढ़ा कर बातें बोले, मैं जा रहा हूं, आप संभालो इनको, मुझसे नहीं होता। लगता है शर्मा गया। प्रेम, सच सच बताओ, तुमने अभी मुझे जो कुछ भी बताया वो सच है ना? हाँ सुजाता, हमारा ये जो बेटा है ना आर, ये सचमुच बहुत काबिल निकला, बहुत काबिल। वैशालिनी, ये किंगवे पाथ प्रोजेक्ट है क्या? ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है जो 5 साल पहले डागर बिल्डर्स ने शुरू किया था, फिर उनके पार्टनर्स में कुछ आपसी मतभेद हो गया तो प्रोजेक्ट ऐसा कैसा रह गया। अब इस प्रोजेक्ट की वो लोग नीलामी कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि राजस्थान कंस्ट्रक्शन इसके लिए बिड करे। इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, राजधान कंस्ट्रक्शंस नीलामी में बिड जरूर करेगी। गुड, मैंने ऑलरेडी राहुल से एक अमाउंट सैंक्शन करवा ली है, तो मैं जाकर बिडिंग के डिपॉजिट दे देती हूँ और वी कैन गो फॉर द ऑप्शन। चलिए, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
ऑक्शन में मैं तुम्हारे साथ चलूं या ना चलूं, मैं चाहता हूं कि तुम राहुल को अपने साथ जरूर ले जाना। मुझे लगता है कि तुम्हारी निगरानी में राहुल को इन चीजों में भी तजुर्बा हो जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं राहुल को जरूर लेकर जाऊंगी। थैंक यू। लेकिन तुम्हारा ये वर्ड रिक्वेस्ट, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी शालिनी, आई टेक इट बैक। ओके। सॉरी केटी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। नॉट एट ऑल। भाई उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताओ, कुछ पता लगा? प्रेम, मैंने पूरी डिटेल्स उसकी पता कर ली है। तुम्हें क्या लगता है केटी, तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है? देखो, सबसे पहली गट फीलिंग तो मेरी ये है कि हमारा नया एमडी मिस्टर आर्य वर्मा कंपनी को ऐसी बुलंदी पर ले जाएगा जहां मैंने और तुमने शायद इमेजिन भी नहीं किया। केटी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जहाँ हम और तुम जमीन तलाश कर रहे हैं, वहाँ हमारा नया एमडी उस समस्या का समाधान खोज रहा है। जो पैसा और वक्त हमने गवाया है, उसे रिकवर करने का रास्ता ढूंढ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 100% नहीं तो कम से कम 75% तो रिकवर कर ही लेगा। जो तर्क तुमने दिया है वो बेशक सही है, लेकिन आर्य को लेकर किसी भी नतीजे पर मैं अभी नहीं, कुछ महीनों के बाद पहुंचूंगा। तुम मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। प्रेम, टाइटल्स बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सीधी सादी डीलिंग है। दरअसल उनके फैमिली के झगड़े इस कदर बढ़ गए कि मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो बुजुर्गों ने यह तय किया कि भाई उस जमीन को ऑक्शन कर दिया जाए। यानी कि रास्ता बिल्कुल साफ है, हम लोग बोली लगा सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ, प्राइसेस जरूरत से ज्यादा ऊपर नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइसेस जरूरत से ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि राजदान कंस्ट्रक्शन वाले भी आ रहे हैं। मिस्टर रोहित राजदान वहां पर आ रहे हैं। तो मैं अगर केटी की ऑक्शन की जो बिडिंग अमाउंट है वो जाकर डिपॉजिट कर दो। अचानक इस प्रोजेक्ट में मेरी जो दिलचस्पी है एकदम से बढ़ गई। अजय कुमार जी, दुश्मन। साहिल आज जल्दी चला गया क्या? घर में नहीं है तो कहीं गया ही होगा ना। क्या बात है, ऐसे क्यों? साहिल ने कुछ कहा क्या? वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, दो दिन से गुमसुम है, कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देता। और आज बिना बताए, बिना नाश्ता के ही घर से चला गया। बेगम, बेगम तो इसमें कोई परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, साहिल जिस दौर से गुजर रहा है ना, उस दौर से हर इंसान एक ना एक दिन गुजरता है। ये उसकी जिंदगी का एक चौराहा है, जहां रास्ते तो कई दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि किस रास्ते पर चलकर मंजिल मिलेगी। आपको एक बात बताऊं, जिस दिन साहिल ने मुझसे कहा कि वो अपना वजूद खुद बनाना चाहता है, मुझे बहुत खुशी हुई। सच कह रहा हूं आपसे। हाँ, थोड़ी सी फिक्र भी हुई थी। तो आप उसे समझाइए ना कि वो हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले। ना 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 बेगम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे फिक्र इस बात की नहीं है कि साहिल मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं, बल्कि फिक्र इस बात की है कि मंजिल की तलाश में कहीं वो अपना हौसला न खो बैठे। साहिल खामोश जरूर हो गया है, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट भी आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अभी तक अपना हौसला नहीं खोया। दिल लगा के ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है, और आप देखिएगा उसकी ये मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी। लेकिन मुझसे उसका ये मायूस चेहरा देखा नहीं जाता। मेरे
रातों की नींद उड़ गई है। बेगम, जिंदगी का हर पल खुशनुमा तो नहीं होता ना, जैसे किसी पेड़ का हर फल मीठा नहीं होता, कुछ फल खट्टे भी होते हैं, तो हमें चाहिए कि उस खट्टेपन का भी मजा लें। साहिल अगर किसी इंटरव्यू में कामयाब नहीं होता है तो उसे इस नाकामयाबी का एहसास भी होने दीजिए, क्योंकि इन नाकामयाबियों के बाद जो उसे कामयाबी मिलेगी उसे भी जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। यकीन कीजिए मुझ पर। चलिए नाश्ता कीजिए। रूही दीदी, आप क्या लेंगी? जानवी, तुम्हें डिसाइड करो। अच्छा, एक काला दाल और दो सादा राइस। कुछ पियेंगे? नहीं, अभी नहीं, बाद में। ओके, थैंक यू। ओके मैडम। रूही दीदी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप और साहिल भैया शादी की डेट फाइनल क्यों नहीं करते? कितने सालों से सुनती आई हूँ कि इस महीने, अगले महीने। रूही दीदी, इन महीनों में कई साल गुजर गए। जानवी, ऐसा भी तो नहीं हुआ कि इतने सालों में साहिल मेरी जिंदगी से गैर हाजिर हुआ हो। हम बाकायदा एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से रोज मिलते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। मैं मानती हूँ रूही दीदी, लेकिन शादी करने में क्या हर्ज है? जानवी, शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक साहिल को उसके मनपसंद की नौकरी और वो वादा नहीं मिल जाता, तब तक वो मुझसे निकाह करने के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे। और अगर मैं साहिल से आज कहूँ तो मुझसे आज शादी करने को तैयार है, लेकिन जानवी, मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है। वाह, कितने खुश नसीब है साहिल भैया जो आप मिली। जानवी, कम खुश नसीब मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, तुमने तो हमारी मोहब्बतें दास्तान सुन ली, अब तुम हमें भी अपनी दास्तान सुनाओ ना। हाँ, खुद अपनी दास्तान समझती तो सुनाती ना। क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा? रूही दीदी, मेरा प्यार राहुल से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से न कोई हिंट है न कोई इशारा। समझ में नहीं आ रहा कि राहुल के जज्बात मेरे लिए क्या है। हाँ जानवी, जब तक ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक दिल में तकलीफ होती रहती है। तुम ऐसा करो ना, मौका मिलते ही पूछ डालो। पूछ तो डालूं रूही दीदी, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं इस सवाल का जवाब ऐसा ना हो कि मैं एक दोस्त गवा दूं। रूही दीदी, कहीं राहुल मुझे सिर्फ एक दोस्त ना समझता। तो ऐसा करो, अपनी इस मोहब्बत को खाक में मिला दो और राहुल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। शुभ शुभ बोलो रूही दीदी, शुभ शुभ बोलो। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ जानवी, जो लोग मोहब्बत में रिस्क नहीं लेते फिर उन्हें एक अच्छे दोस्त के सिवाय और क्या मिल सकता है। जी कहिए। क्या ये सुजाता वर्मा का घर है? जी हाँ है। आप? मैं उनकी सहेली रश्मि। आइए आइए। अजीब बात है, सुजाता ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। आइए बैठिए ना। ये बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी? नहीं, जी तक ओलिफ की कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं सुजाता को बुलाती हूँ। सुजाता, मेरे बाल भले ही सफ़ेद हुए लेकिन मेरी याददाश्त अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली सुजाता को ना पहचान पाऊँ। देखो ना सुजाता, मैं तुम्हारे घर कितने दिनों के बाद आ रही हूँ। हमारी मुलाकात कितने सालों बाद हो रही है। हम दोनों ने अच्छे खासे सीरियस इशू को मजाक बना डाला। लेकिन सीरियस इशू को सीरियसली लेकर हमने देख लिया है। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। जिंदगी जो चाल चलती है ना, उसी मुताबिक हमें चलना चाहिए। जो लिखा है उसे बदलना हमारे बस की बात नहीं,
एक जमाना ऐसा था जब हम दोनों आर्य और राहुल के लिए एक साथ सोचते थे। जब कभी भी आर्य का ख्याल तुम्हारे मन में आता था, उसमें राहुल का ख्याल हमेशा शामिल रहता था। और कभी मैं राहुल के बारे में सोचती थी तो आर्य का ख्याल मेरे दिमाग में रहता था। जैसे सुजाता और रश्मि एक ही माँ का नाम था, जिसके दो जुड़वा बच्चे थे, राहुल और आर्य। हम दोनों ने इस तरह ही तो इन दोनों की परवरिश करने के बारे में सोचा था ना? हाँ रश्मि, लेकिन किसे पता था कि बड़े होकर वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े बिजनेस राइवल्स हो जाएंगे। सुजाता, सुजाता मेरा यकीन मानो, मैंने आज तक राहुल को ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया है जो आर्य के अगेंस्ट हो। मुझे यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। जैसे मैंने कहा ना, सुजाता और रश्मि एक ही माँ का नाम है, जिसके दो बच्चे हैं, राहुल और आर्य। तो जुड़वा बेटे। वैसे सुजाता, तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं लेकिन तुम्हारी पुरानी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। देखो ना, मुझे तुम्हारे घर में आए काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन ना तुमने चाय पिलाई ना नाश्ते के लिए पूछा। तो एक काम करते हैं, हम किचन चलते हैं, चाय बनाते हैं, नाश्ता भी खिलाते हैं। तुम नहीं बदलोगी? बिल्कुल नहीं बदलूंगी, क्यों बदलूं? दुश्मन। जानवी। हाँ माँ। ये आप क्या कर रही हैं? अब कुछ नहीं माँ। अच्छा, और पिछले आधे घंटे से आप यही कुछ नहीं कर रही हैं, और आप अपने ख्यालों में इतनी मशरूफ हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि मैं पिछले आधे घंटे से वहां खड़ी हूं। और मैडम, ये किताब जो आप इतने ध्यान से पढ़ रही हैं ये भी उल्टी है। अब नहीं माँ, ये तो सीधी है। एक दूंगी अभी। जानवी, आजकल तुम्हें क्या हो गया है तुम्हें खुद नहीं पता। क्या माँ? यू आर इन लव बेटा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दो कि वो है कौन। माँ, I'm getting very late for my music. Huh? You are not getting late for your music classes. दरअसल तुम मेरी बात को टालने की कोशिश कर रही हो। नहीं माँ, मैं आपको किसी दिन जरूर बताऊंगी। हाँ, promise माँ, मैं जा रही हूँ। जानवी, हाय। थैंक्स। तुम यहाँ? मैं यहाँ, और मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जितनी खुशी हो रही है उससे मुझे लगता है कि मुझे अक्सर यहाँ आकर तुम्हें ऐसा सरप्राइज देना चाहिए। वाकई आर्या, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी म्यूजिक क्लासेस के बारे में तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे बारे में मुझे किसी से कुछ पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी सारी खबर मैं खुद ही रखता हूँ। वो कैसे? जानवी, मम्मी पापा के बाद तुम ही एक हो जो मुझे सबसे अच्छी लगती हो। रियली? मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुनकर काफी अच्छा लगा, लेकिन ये बात तुम खुद भी कह सकती हो कि तुम्हें अच्छा लगा। आप किसी की जिंदगी में इतनी अहमियत रखते हैं ये तो अच्छी बात है। जानवी, हमेशा इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि खुशी आपके पास चल कर आएगी। कभी कभार अपनी खुशी
खुद चलकर भी हासिल कर लेनी चाहिए। जो बात तुमने अभी कही वो सुनने में अच्छी लगी, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस बात से आपको खुशी मिलती है, जैसा मेरा यहाँ आना, तुमसे मिलना तुम्हें अच्छा लगा, ये बात तुम फोन पर भी कह सकती थी कि यार कम ऑन लेट्स मीट। जानवी अपने मन की बात कहना सीख लो। यही तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है आर्या। जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, जो बात मुझे अच्छी लगती है, वो मैं कह नहीं पाती। काश मैं अपनी मन की बात कह पाती। जानवी तुम्हारे मन में क्या है ये मैं आज से नहीं कई सालों से जानता हूँ। You're right, आर्या। जो बात इतने सालों से मेरे मन में है वो मैं आज तक कह नहीं पाई। अब आर्या I'm getting late. I'll catch you later. Bye. जानवी जो बात तुम नहीं कह पाई वो मैं खुद कह दूंगा जानवी। एंड आई वोंट बी लेट।